तो गाइस ये है वो सोनोग्राफिक रिपोर्ट। क्वेश्चन यही उठता है क्या मोटा जी प्रेग्नेंट है? आ जाओ स्टार्टिंग करें। अरे गाड़ी कौन सी है ये तो बता। बुलेट। तो हूँ करती है बुलेट। मेरी साइलेंसर वाली है। हेलमेट लगा लो पहले। हाँ, ये हेलमेट लगाया। मैं कौन लगाया? फिर लगाओ। मैं क्या मैं ना। चल। स्टार्टिंग। इतनी नहीं हिलती है बुलेट। आज चलो हम लंबे सफर पे हवा चल रही है बहुत मोटे हवा चल रही है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाड़ी की तो आवाज करती रहे। अच्छा वो मैं हवा उड़ा रही थी। गाड़ी की आवाज करती है मोटे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। ये सर्दी की हवाएं बहुत तेज चल रही है और अभी इसी बीच से आपके साथ कॉन्टेक्ट पे है गाइस। बहुत तेज हवाएं चल रही है यहाँ पे। नहीं चल रही क्या? तो गाइस आज क्या होने वाला है? आज कुछ भी नहीं होने वाला है। हम सीधा सोने वाले हैं अभी तो। और जो भी होगा कल होगा। ठीक है चलते हैं। और बारे मोटे कितना भारी है। पर गाइस सोने से पहले मोटा जी आपको कुछ बताना चाहता है। गाइस ये है वाओ का स्लीपिंग नाइट जेल, वो भी एलोवेरा वाला। लेकिन वाओ का ये जेल लगाने से पहले मैं लगाती हूँ वाओ का विटामिन फेस सीरम। इसको लगाना कैसे है? ऐसे लेना है थोड़ा सा, के बाद इसको उंगली से लेके ऐसे लगाना है। अच्छा हल्के हल्के हाथ इसको ऐसे नहीं ऐसे टैप करना पड़ता। ऐसे टैप 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 के बहाने से वो मार रहे हो ना, लो मैं आपके भी टैप टैप करूँ। अब आ गई है हमारे जेल की बारी। तो अब इसको लगाते कैसे मैं बताती हूँ आपको। दिखाओ। फेस के हिसाब से टपकाना है। ठीक है। तो इसको ऐसे 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 लगाना है। ऐसे ऐसे। अब मेरा ज्यादा आ गया। बचा कुचा मैं गट्टू के लगा देती हूँ। बचा कुचा ही लगाया कर हमेशा तो मेरे ना। मैंने आपके लिए निकाला। ऐसे निकाला तो लगाओ फिर फटाफट। मैंने गट्टू के लिए भी निकाला है। कितनी देर में मालिश होगी मोटा जी? 2 मिनट तो ऐसे ऐसे करके मसाज करो, आपकी स्किन ग्लो मारेगी। अच्छा मस्त हो जाएगी स्किन। क्या बात कर रही हो मोटे पर। इसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? हाँ ये क्या कर रहा है मोटे 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 ये क्या कर रहा है? सो रहा हूँ क्योंकि उसके बाद का स्टेप यही है कि सो जाओ और गुड नाइट गाइस। फर्क तो है। तो मैंने तो ये दूसरी बार लगाया है पर दूसरी बार में मैं आपको इसके रिव्यू दे सकता हूँ कि ये बहुत ही शानदार है। बाकी मोटा जी तो रेगुलरली लगाता है इसको, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाते पर वो तो अभी सो रहे हैं। पर ये बाकी मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो ये आपकी डल ड्राई और एजनिंग स्किल को सबको एक बार में खत्म कर देगा। और गाइस नाइट जेल के बाद वाओ का डे जेल भी आता है। आप उसको लगा के तो पूरे दिन भर आपका फेस एकदम रिफ्रेश रहेगा। और उसको लगा लिया तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं। वाओ के किसी भी प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबिन सल्फेट सिलिकॉन कुछ भी नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये मेड इन इंडिया है और 97.5% नेचुरल है। सोचो कोई चीज इतनी नेचुरल होती तो कितनी नेचुरल होती है। तो क्यों ना अभी बाय कर लिया जाए इसको। अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन है, सॉरी वापस गलत बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके तुरंत बाय कर डालो। अभी क्या अभी अभी क्या अभी अभी क्या अभी मोटा जी और जग जाओ। कब जगोगे? तो पेट में दर्द हो रहा है। मोटा जी के पेट में दर्द हो रहा है। मोटा जी प्लीज जग जाओ। आज मोटा जी की होने वाली है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्यों होने वाली है वो हम आपको बताएंगे वीडियो में लास्ट में। लास्ट में क्यों? क्योंकि जिससे आप पूरा देख लो मोटे। हाँ मोटा जी स्कूल में किसी को परेशान नहीं करना। स्कूल में परेशान नहीं करूँ किसी को? ठीक है खाना लंच टाइम पे खा लेना। ठीक है ठीक है मम्मी पूरा खत्म करके। ओके मोटा मम्मी। गाइस अभी मैं पहुंच रहा हूँ कैफे। एक थोड़ी सी स्नीकी पीक दूंगा आपको, जो अपना मीटअप होने वाला है उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूँ। टेंटन है। तो गाइस दिस इज द स्नीकी पीक। मैं इतना ही दे सकता हूँ क्योंकि इसके बाद जो होगा वो आपको मीटअप पे ही पता चलेगा। तो गाइस मीटअप पे आना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे को पता है आप में से केवल 2 या 3 लोग ही आएंगे। वो 2 या 3 लोग भी मत आना भूलिएगा। बाकी अब मिलते हैं सीधा मीटअप पे। नहीं अभी तो मिलते हैं अपन हॉस्पिटल में जहाँ पे अपन मोटे जी को लेके जा रहे हैं। उसके बाद मिलेंगे अपन सीधा मीटअप पे। ओके तो भाई मैं आ गया हूँ कैफे से। मोटा जी भी आ गए अपने ऑफिस से छुट्टी लेके। चले मोटा जी अब चले। डर लग रहा है आपको? किस बात का डर लग रहा है? मैंने बटन स्विच क्यों दबा रखा है? क्योंकि जिससे तुम ज्यादा ना बोलो। मम्मी की साड़ी? मम्मी नई साड़ी है इस वजह से दिखा रहे हो?
तो ये लो मैंने दिखा दी मैंने साड़ी, अब क्या बोलना है मेरे को साड़ी दिखा दी क्या क्या मम्मी कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है, कमेंट में बताएं कैसी लग रही है मम्मी। ओ मोटे डांस आ गया अपना, अरे ऐसे स्लो गाना चल रहा है हमारा जीवन हमारी पहचान। So guys, we are here at the hospital where we will going to do the sonography. मोटा जी तुम भी बोलो इंग्लिश। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है मोटा जी को, तो डर लग रहा है। हम हॉस्पिटल पहुंच गए, चलो अंदर मोटे जी जल्दी चलो बहुत बहुत। बस सोनोग्राफी, ओनली सोनोग्राफी। बहुत डर लग रहा है। इसमें डरना क्या है मोटा जी? इंजेक्शन लगा दिया तो? इंजेक्शन क्यों लगाएंगे सोनोग्राफी में? मैं B1 मोटा जी तीन बार जा चुके हैं, तीन बार रिजेक्ट कर दिया गया है मोटा जी को। क्यों? इस बार भी नहीं आया। जाओ मोटे मोटे जा रहा है, मोटे को बहुत तेज सुस्त लगी है। तो गाइस हम लोग निकल गए हॉस्पिटल से, अब सीधा घर पे चल के मिलते हैं आपसे। और किस लिए हमने सोनोग्राफी करवाई थी वो भी बताएंगे, पर घर पे चल के अब बहुत थक गए, शाम को ही मिलेंगे अब तो सीधा। ओ भाई मोटे जी आ जाओ फटाफट, मम्मी आए सोनोग्राफी करवाया है, पानी पिला पिला के बैठा है, पानी पिला पिला के बैठा है, टॉयलेट आया तो मत जाना और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और फिर जैसे वो अंदर गई ना तो मेरे को तो बहुत भयंकर डर आ रहा था, और जैसे ही बाहर निकली मैं तो भाग गई। बोलो इतनी तेज सुसु आ रही थी इसको, इतनी तेज सुसु आ रही थी, और फिर सुसु में दबाते भी तो है पेट में ही हूँ। कैसे दबाते हो? यूं घुमाते हैं, यूं घुमाते हैं ना मशीन को, तो उसमें प्रेशर और बने फिर। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस क्वेश्चन यही अराइज होता है। अब अराइज में हिंदी में इंग्लिश बोल रहा हूँ मोटे, क्वेश्चन यही उठता है क्या मोटा जी प्रेग्नेंट है? सच्ची में बदबू आ रही है मोटे, बहुत ज्यादा बदबू आई थी नाभी में से यार मोटे, मतलब धोती नहीं है कि तुम्हें बता मेरे को नाभी में आपसे ज्यादा, मेरी नाभी दिखाओ देख मत करो ये तो, ये चीज तो कभी आप लोगों ने भी ऐसा किया है कि नाभी में उंगली डाल के सूंघा हो? नहीं हर कोई करता है यार मोटे, मेरी सूंघो नहीं नहीं नो थैंक्स, इसको नहीं करूंगा। अच्छा एक बार सूंघो, खुशबू आ रही है मेरे में से तो यार। तो भाई सोनोग्राफी एक्चुअली हुई किस चीज के लिए? वो रीजन है कि मोटा जी कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, और डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा था कि शायद स्टोन हो सकता है, तो उस चीज के लिए हमने सोनोग्राफी करवाई थी। एक बार रिपोर्ट लिखे आना। तो भाई ये है वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा मुझे तो नहीं, मतलब इतनी मस्त रिपोर्ट होती है कुछ समझ में अभी नहीं आएगा आपको, मम्मी आपको आ रहा है कुछ समझ उसमें। तो भाई मेरे को जो मोटा जी की जो सबसे अच्छी बात लगी वो यही है कि मोटा जी वॉज ऑन पीरियड्स, और उसने ये बात छुपाई डॉक्टर से, सच बताया। तू बता दे तू बता ले भाई, अच्छा ना यार बोलो। तो मेरे सबसे अच्छी बात ये लगी कि डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाया, और मेरे लग रहा था कि ऐसे बताएगी नहीं बताएगी, पर इसने खुद ही बता दिया उनको कि पर क्या हमें क्या पता, मैंने भी कभी सोनोग्राफी करवाई नहीं, मोटा जी मैंने कभी करवाई नहीं, कभी ऐसा मौका ही नहीं हुआ। तो अच्छा हुआ मोटा जी ने बताया, क्या पता कुछ और हो जाता उससे पहले मोटा जी ने बता दिया। मेरे को बहुत अच्छी लगी मोटा जी की बात, इस बात के लिए मोटा जी को एक गिफ्ट मिलेगा बहुत अच्छा सा, मेरा ये निशान। अच्छा अच्छा ज़्यादा तेज कट गया क्या मोटा जी? हमें इस वीडियो से यहीं पे अलविदा लेना पड़ेगा। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और मीटअप की डिटेल्स के लिए एक बार इंस्टाग्राम पे आ जाइए, आज मीटअप की डिटेल्स फाइनलाइज हो जाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब पता चल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा। जग गई ना, ठीक है बाय, मिलते हैं।